मतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वत्स राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, तुम्हारे ये गुरुजन शिक्षा पूर्ण होने पर तुम्हें बधाई देने आए हैं। धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ गुरुजनों के चरणों में। आयुष्मान भव। राम, वेद विद्या, अस्त्र शस्त्र विद्या, धनुर्विद्या, तर्कशास्त्र, न्याय शास्त्र और धर्मशास्त्र में तुम निपुण हो चुके हो। हम तुम्हारे ज्ञान का परिचय प्राप्त करने यहाँ आए हैं। ये मेरा सौभाग्य है ऋषिवर। दूसरे शब्दों में आप हमारी परीक्षा लेने के लिए पधारे हुए हैं। हम हर परीक्षा के लिए प्रस्तुत हैं गुरुदेव। धर्म तथा नीति में क्या तुम कोई अंतर समझते हो? यदि ऐसा है तो हम तुम्हारे मुख से धर्म और नीति की परिभाषा सुनना चाहेंगे। कर्तव्य के प्रति श्रद्धा ही मेरी दृष्टि में धर्म है और धर्म के अनुसार आचरण करना ही नीति है। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। एक राजपुत्र होने के नाते तुम सबसे अधिक महत्व किसे देते हो राम? राजनीति, कूटनीति या फिर अस्त्र शस्त्रों की शक्ति को? जब राजनीति असफल हो जाए तो कूटनीति का आश्रय लेना चाहिए और जब कूटनीति भी व्यर्थ हो जाए तो शस्त्र प्रयोग की बात सोचना चाहिए गुरुदेव। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। नारायण नारायण। परंतु इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ गुरुदेव। किसी भी उपाय का प्रयोग करते समय उसके साथ नीति न्याय का आदर्श सम्मुख रहना चाहिए। यदि नीति अन्यायपूर्ण होगी तो वो नीति नहीं रहेगी, अनीति बन जाएगी। नीति अनीति की इतनी सुंदर परिभाषा हमने आज तक किसी शास्त्र में नहीं पढ़ी। सुंदर, अति सुंदर। क्या मैं भी एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? अवश्य पूछिए ऋषिवर। भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्त को क्या करना चाहिए? एक भक्त को अपनी भक्ति पे अधिक ध्यान देना चाहिए, भगवान की प्रशंसा में नहीं। उसे स्वयं अपनी भक्ति पे विश्वास होना चाहिए। क्षमा कीजिए ऋषिवर, यहाँ ज्ञान की चर्चा हो रही है, भक्ति की नहीं। राम, एक राजपुरुष के रूप में तुम जीवन में सबसे अधिक महत्व किस वस्तु को देना चाहोगे? मर्यादा को। मेरे विचार से भावना से कर्तव्य, कर्तव्य से धर्म और धर्म से जन कल्याण तक पहुंचने के लिए मनुष्य को सदा ही मर्यादा के मार्ग पर चलना चाहिए। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। प्रणाम गुरुवर। महाराज दशरथ तथा तीनों महारानियों ने आपको प्रणाम निवेदित किया है। साथ ही साथ आपके संदेश के अनुरूप इन चारों भाइयों को ले जाने के लिए मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। अवश्य मंत्रीवर, कल प्रातःकाल चारों राजकुमारों की विदाई का प्रबंध हो जाएगा। वत्स राम, प्रस्थान की तैयारी करो। जो आज्ञा दीजिए। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। अयोध्या के चारों राजपुत्रों, तुम अब सारी ही विद्याओं में प्रवीण हो चुके हो। तुम चारों सुपुत्र ऐसे रत्न हो जो भाग्यशालियों को ही प्राप्त होते हैं। गुरुदेव, आप गुरुजनों की शिक्षा का ऋण हम इस जन्म तो क्या कई जन्म लेकर भी नहीं चुका पाएंगे। हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम किसी योग्य बने। हमारा आशीर्वाद तुम चारों की सिद्धि बन चुका है राम। हमें पूर्ण विश्वास है कि तुम चारों भाई रघुकुल की रीति का निर्वाह करके नए आदर्श प्रस्तुत करोगे। अच्छा वत्स, अब प्रस्थान करो। अयोध्यावासी तुम चारों भाइयों की आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जो आज्ञा गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। तथास्तु हनुमान। अब मेरे लिए क्या आज्ञा है गुरुदेव? हम जानते हैं हनुमान कि तुम हर प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर चुके हो और पृथ्वी लोक जाने के लिए उत्सुक हो। हम भी तुम्हें रोकेंगे नहीं। हमारा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। बल, बुद्धि, अस्त्र शस्त्र विद्या, संगीत और ज्योतिष विद्या में तुम नई परंपराओं की स्थापना करोगे। गुरुदेव, आपने अपना अमूल्य समय और ज्ञान प्रदान करके मुझ जैसे अबोध लड़कट बालक को किसी योग्य बनाया। मैं आपका यह उपकार जीवन भर नहीं भूल सकता। बताइए गुरुदेव, गुरु दक्षिणा में क्या प्रस्तुत करूं? गुरु दक्षिणा? जी हाँ गुरुदेव, गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा दिए बिना मैं यहाँ से नहीं जा सकता। यह धर्म के विरुद्ध होगा। हनुमान, यदि गुरु दक्षिणा देने का निश्चय ही कर चुके हो तो हम तुमसे एक वचन चाहते हैं। गुरुदेव, मैं तो अपने प्राण भी आपके चरणों में अर्पण कर सकता हूँ। बताइए, आप मुझसे कैसा वचन चाहते हैं? ब्रह्मा की अश्रु पुत्री ऋषिका ने इंद्र के वरदान से बाली और हमारे वरदान से सुग्रीव को जन्म दिया था। मैं जानता हूँ गुरुदेव। बाली और सुग्रीव दोनों एक जैसे दिखाई देने वाले सगे वानर बंधु हैं। परंतु हनुमान, न जाने क्यों हमें ऐसा लगता है कि बाली के कारण सुग्रीव को किसी समय संकट का सामना करना पड़ सकता है। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं गुरुदेव? दो सगे भाइयों के बीच संकट कैसे उत्पन्न हो सकता है? विधाता की लीला विचित्र होती है हनुमान। कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। गुरुदेव, आप संकोच न कीजिए। आप मुझे बताइए, आप मुझसे कैसा वचन चाहते हैं? हम चाहते हैं कि तुम हमारे पुत्र सुग्रीव की सदा रक्षा करो, संकट में सदैव उसका साथ दो। गुरुदेव, मैं वचन देता हूँ, मैं जीवन भर सुग्रीव का सचिव, साथी और रक्षक बन के रहूंगा। उसकी रक्षा के लिए अपना सब कुछ त्याग दूंगा। गुरुदेव, तुम धन्य हो हनुमान। तुमने गुरु दक्षिणा में अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। हमें तुम्हारा गुरु कहलाने पर गर्व है। अब आज्ञा दीजिए गुरुदेव। तथास्तु हनुमान। हमारा यह आशीर्वाद है कि तुम्हारी जय जयकार संसार में अनंत काल तक गूंजती रहे। प्रणाम। हे तेजो मैं सब गुण आगर, शक्ति के पर्वत ज्ञान के सागर, कपिकुल भूषण रघुपति नागर, तुम रोजस्ती हो लोक उजागर। मंगल जिसका करे अमंगल, धरे तुम्हारा ध्यान। मंगल जिसका करे अमंगल, धरे तुम्हारा ध्यान। जय हनुमान। वेदं परं वेदं नास्ति क्षरं नित्यशाश्वतम् नाद वेद की महिमा भारी नाद वेद की महिमा भारी प्रथम स्वर है देवर्षि प्रणाम गुरुदेव। हनुमान हनुमान तुम! कितना सुखद संयोग है। मैं अभी तुम्हें याद कर रहा था और तुम आ गए। इतने लंबे समय के बाद साक्षात तुम्हें देखकर मेरे हर्ष की सीमा नहीं रही। गुरुदेव, आपके दर्शन पाकर तो मैं धन्य हो गया। हनुमान, लगता है तुम सूर्य लोक से अपनी शिक्षा पूर्ण करके वापस लौट रहे हो। जी हाँ देवर्षि। अब तो आप सर्वप्रथम अपने इष्ट देव के दर्शन के लिए ही जाएंगे। हाँ ऋषिवर, सर्वप्रथम मैं अदृश्य रूप से अपने प्रभु श्री राम के दर्शन करने अयोध्या जाऊंगा। नारायण नारायण। और श्री राम मन ही मन जिनकी आराधना करते हैं, जिनके अंश से आप उत्पन्न हुए हैं, उनके दर्शन के लिए नहीं जाएंगे? मैं कुछ समझा नहीं मुनिवर। आप इतना तो जानते ही है ना कि आप शिव रुद्र के अंशावतार हैं। गुरुदेव, सूर्य देव ने भी मुझसे कहा था कि मैं रुद्र का 11वां अवतार हूँ, परंतु आपको इस बात का स्मरण ही नहीं रहा कि आपको सर्वप्रथम शिव के दर्शन करने चाहिए। चलो कोई बात नहीं, ये शुभ कार्य आप कर लीजिए। अर्थात मुझे मेरे प्रभु श्री राम के दर्शनों से पहले भगवान शिव के दर्शन करने चाहिए। अवश्य। जय शिव शंकर। जय श्री राम। प्रणाम शिव शंकर। आओ वीर बजरंग, पृथ्वीलोक पर तुम्हारा स्वागत है। प्रभु, मैं सूर्यलोक में शिक्षा ग्रहण करके सर्वप्रथम आप ही के सामने उपस्थित हुआ हूँ। हनुमान, हम भी तुम्हें देखने के लिए लालायित थे। अभी अभी हम श्री राम के विषय में ही विचार कर रहे थे और श्री राम का सबसे महान सेवक हनुमान हमारे सामने उपस्थित है। कितना सुखद संयोग है। प्रभु, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि श्री राम की भक्ति करके मैं आपकी कृपा प्राप्त कर सकूं और आपकी भक्ति करके श्री राम की। तुम्हारी हर कामना पूर्ण हो हनुमान। भक्त भगवान से बड़ा होता है, क्योंकि भगवान का नाम भक्त के सहारे से ही प्रसिद्ध होता है। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम श्री राम की भक्ति का ऐसा आदर्श प्रस्तुत करोगे जैसा आज तक किसी ने नहीं किया है। जय श्री राम, जय शिव शंकर। आपसे प्राप्त सारी शक्ति और श्री राम के नाम से मिली भक्ति मेरे मन को इतना बल देगी कि संसार की बड़ी से बड़ी शक्ति भी मेरे सामने टिक नहीं पाएगी। मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं शिव शंकर। अब जाओ हनुमान और दुष्ट शक्तियों से पीड़ित पृथ्वीवासियों का उद्धार करो। श्री राम की भक्ति के साथ तुम्हारे जीवन का प्रमुख उद्देश्य यही है। जो आज्ञा शिव शंकर। जय शिव शंकर, जय श्री राम। सावधान सावधान, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक ब्रह्मज्ञानी धर्म ध्वजाधारी मिथिलापति महाराज जनक अपने गुरुदेव ऋषि याज्ञवल्क्य सहित पधार रहे हैं। सावधान सावधान सावधान। विराजिए ऋषिवर। मिथिला देश के महामंत्री बताएं, हमारे राज्य में सब कुशल मंगल से तो हैं। मिथिला ही नहीं, आसपास के राज्यों में भी सर्वत्र सुख और शांति है। आपके धर्म प्रभाव से प्रजाजनों में धर्म भावना दिनों दिन बलवती हो रही है। ये जानकर हम अति प्रसन्न हुए। ऋषि याज्ञवल्क्य के आशीर्वाद से राज्य की सुख समृद्धि में और वृद्धि हो, यही हम चाहते हैं। कहाँ है मिथिला नरेश जनक? ऋषि जमदग्नि के पुत्र इस परशुराम को देखकर आप सब आश्चर्यचकित क्यों रह गए? तेजस्विता के अवतार परशुराम आपको देखकर हम सब अति प्रसन्न हैं। आइए मेरे राज सिंहासन पर विराजिए, मैं आपके चरणों में स्थान ग्रहण करूंगा। राजा जनक, क्या तुम नहीं जानते कि हम क्षत्रियों के शत्रु हैं? हमने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया है। हम एक क्षत्रिय के सिंहासन पर कैसे बैठ सकते हैं? मैं क्षत्रिय होते हुए भी आपका शत्रु नहीं, आपका सेवक हूँ। अपने दास को अपने सम्मान का अधिकार दीजिए। हम ना सम्मान पाने आए हैं ना तुम्हारे सिंहासन पर बैठने। हम तो सिर्फ ये देखने आए हैं कि भगवान शिव से प्राप्त जो शिव धनुष हमने तुम्हारे पूर्वज देवराज को दिया था वो सुरक्षित तो है। आपने वो शिव धनुष गौरी माँ के मंदिर में रखने का आदेश दिया था, वो वही सुरक्षित है। जय शिव शंकर। हम जब उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए तुम्हारी मिथिला नगरी से निकले तो शिव धनुष के दर्शन करने की प्रबल इच्छा हुई। आप गौरी मंदिर पधार कर गौरी माँ के साथ उस शिव धनुष के दर्शन भी कर लीजिए ऋषिवर। अवश्य, परंतु पहले यह बताओ कि चारों दिशाओं में जो तुम्हारे ब्रह्मज्ञान की चर्चा फैली हुई है उसमें कितना सत्य है? अपने मुंह से क्या बताऊं ऋषिवर, आपको इसका सत्य ज्ञान गुरु याज्ञवल्क्य ही करवा सकते हैं। ऋषिवर, आप तो भगवान विष्णु के साक्षात अंश अवतार हैं। आपसे इस जगत में कुछ भी अनजाना नहीं है। फिर भी मैं आपसे एक बात अवश्य कह सकता हूँ कि ऊपर से एक राजा के कर्तव्य को निभाते हुए भी राजा जनक एक बैरागी हैं और इनका ब्रह्म ज्ञान तो अद्भुत है। ये जानकर हम प्रसन्न हुए। राजा जनक, हम ये चाहते हैं कि तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान लोक कल्याण का साधन बने, केवल चर्चा और शास्त्रार्थ का विषय बनकर न रह जाए। अवश्य, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तो चलो, ले चलो हमें गौरी मंदिर शिव धनुष के दर्शन के लिए। चलिए राजन। पुजारी जी। जी राजकुमारी। ये शिव धनुष यहाँ क्यों रखा है? इसे माँ गौरी माँ के पास रखिए। शिव धनुष को गौरी माँ के साथ होना चाहिए ताकि दोनों के साथ साथ दर्शन हो सके। जैसी आपकी इच्छा। शिव संगनी माँ गौरी की जय। शिव संगनी माँ गौरी की जय। शिव संगनी माँ गौरी की जय। राजन, कौन है ये कन्या? ये मिथिला की राजकुमारी सीता है ऋषिवर, जिसे हमने लक्ष्मी माता की कृपा से यज्ञ भूमि से प्राप्त किया था। पुत्री सीता यहाँ आओ। वंदना करो गुरु परशुराम की। सदा सुखी और सौभाग्यवती रहो पुत्री। भगवान शिव तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करे। आपके दर्शन करके जीवन धन्य हुआ ऋषिवर। बहुत दिनों से आपकी कीर्ति सुन रखी थी, फिर आज दर्शन भी हो गए। पिताश्री आज्ञा हो तो हम महल लौट जाएं। अवश्य पुत्री। ऋषिवर, मेरी चारों कन्याएं विवाह के योग्य हो गई हैं। बस आजकल इन्हीं के विचारों में खोया रहता हूँ। वह दिन दूर नहीं है राजन। मेरा परामर्श मानो तो देवी सीता के लिए वर ढूंढने का प्रयास न करो, वर को स्वयं सीता को ढूंढते हुए यहाँ लाने का प्रयास करो। ऋषिवर, मैं समझा नहीं। हमारा शिव धनुष कोई शक्तिसिद्ध व्यक्ति ही उठा सकता है। इसे उठाकर चढ़ा देना बड़े से बड़े बलवान के लिए भी संभव नहीं है। मैंने इस शिव धनुष को सदा मंदिर में ही देखा है, परंतु आज सीता ने इसे उठाकर देवी मूर्ति के सामने रख दिया। ये तो कोई चमत्कार है। इसलिए तो कह रहा हूँ राजन कि किसी ऐसे शक्तिशाली वीर पुरुष को सीता का पति बनाना जो न केवल इस शिव धनुष को उठा सके बल्कि इसकी प्रतंचा खींचकर इस पर बाण भी चढ़ा सके। मैं समझ गया ऋषिवर। मैं सीता के स्वयंवर का आयोजन करूंगा और घोषणा करूंगा कि जो व्यक्ति शिव धनुष को उठाकर इस पर बाण चढ़ा देगा उसी को सीता की वरमाला पाने का अधिकार होगा। तुम्हारा विचार उत्तम है राजन, परंतु इस बात का ध्यान रहे कि हमारे इस शिव धनुष का किसी भी प्रकार से अनादर न होने पाए। अवश्य ऋषिवर, मैं इसका ध्यान रखूंगा। अच्छा, तो अब हम प्रस्थान करेंगे। ऋषिवर, आए हैं तो कुछ दिनों के लिए हमारा अतिथि ग्रहण करें, हमारे सौभाग्य में वृद्धि होगी। राजन, क्या तुम नहीं जानते कि परशुराम कभी कहीं किसी का आतिथ्य ग्रहण नहीं करता? किसी एक स्थान पर ठहरना हमारे स्वभाव के विरुद्ध है। हाँ, आज तुमसे मिलकर देवी सीता के साथ शिव धनुष के दर्शन करके हम अति प्रसन्न हैं। तुम्हारा कल्याण हो। तुम सबको इतने लंबे समय के बाद पाकर मैं इतनी प्रसन्न हूँ, मैं कह नहीं सकती। देखो कौशल्या दीदी, तुम हमारे साथ अन्याय कर रही हो। कैसा अन्याय? तुम अपनी अकेली की प्रसन्नता की बात करके स्वार्थी क्यों बन रही हो? क्या हम प्रसन्न नहीं? सारा अयोध्या प्रासाद हमारी हंसी से गूंज रहा है। हाँ तो बेटा राम, तुमने धनुर्विद्या के साथ मंत्र विद्या कैसे सीखी? माता, ये विद्या तो हम चारों भाइयों ने एक साथ सिद्ध की है। बाणों के चमत्कार तो मुझसे अधिक लक्ष्मण ने दिखाए हैं। भरत तो मुझसे भी आगे बढ़ गया है क्या कहीं माता? अग्नि बाण चलाने में हम चारों भाइयों में भरत सबसे अधिक निपुण है। माताओं के समूह का सत्या न बोलो लक्ष्मण भैया, तुम्हारे अग्नि बाणों की समानता तो हम भाइयों में से कोई नहीं कर सकता। भरत हमारे सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न के निपुणता की बात भी तो करो। माता, वायुबाण चलाने में हमारे शत्रुघ्न की बराबरी कोई नहीं कर सकता। स्वयं हमारे शास्त्र गुरु प्रमेय आचार्य ने कहा है कि शत्रुघ्न धनुर्विद्या में सूर्यवंश का गौरव बढ़ाएगा। तुम चारों भाइयों का प्रेम अद्भुत है, एक दूसरे की प्रशंसा करते नहीं सकते। ये सब आपके आशीर्वाद का फल है माते। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आओ हनुमान, पहले के समान एकांत में बैठकर बातें करें। इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ प्रभु। कितना समय बीत गया आपसे मिले हुए। हाँ हनुमान, बचपन से लेकर आज तक मैं भी तुमसे मिलने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। प्रभु, यदि आप आज्ञा दें तो मैं प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो जाऊं। हाँ हनुमान, इसलिए तो मैं तुम्हें एकांत में लेकर आया हूँ। हनुमान, हनुमान, प्रभु, हनुमान, प्रभु, हनुमान। प्रभु, मैं तो आपके मनोहर रूप के दर्शन कर रहा था, परंतु आपने मेरा परिवर्तित रूप नहीं देखा होगा। धन्य हो हनुमान, तुम्हारा ये परिवर्तित रूप देखकर मैं चकित हूँ। चकित क्यों है प्रभु? मैं तो वही हूँ, वही देह, वही आत्मा, वही भक्ति की शक्ति। सो तो देख ही रहा हूँ हनुमान। अच्छा ये बताओ, सूर्य लोक से और क्या क्या सीख कर आए हो? सीखने में कुछ भी शेष नहीं रखा प्रभु। अस्त्र शस्त्र विद्या, ज्ञान विज्ञान, ज्योतिष विद्या और देवर्षि नारद ने मुझे संगीत भी सिखाया प्रभु। अर्थात देवर्षि नारद तुमसे मिलने सूर्य लोक तक पहुँच गए? हाँ प्रभु, देवर्षि नारद की बड़ी कृपा है मुझ पर। इस संसार में जो कुछ भी श्रेष्ठ है वो सब कुछ मेरे गुरुदेव सूर्य देव ने मुझे सिखाया है। अब मैं चाहता हूँ आपके चरणों में बैठकर इन सारी विद्याओं का उपयोग करूँ। उसके लिए तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी हनुमान। प्रतीक्षा क्यों प्रभु? क्योंकि हम तुम एक साथ रहे, ये बात विधाता को स्वीकार नहीं। ये विधाता कौन होते हैं हम दोनों के बीच आने वाले? प्रभु आप तो जानते हैं, आपके बिना मैं पानी से दूर मछली की तरह तड़पता रहता हूं। मैं जानता हूँ हनुमान, भली भांति जानता हूँ। मैं भी तुमसे दूर रहकर अधूरा हूँ। इतिहास बताएगा कि राम के बिना हनुमान अधूरा और हनुमान के बिना राम अधूरा। परंतु परंतु क्या प्रभु? परंतु क्या? परंतु यह समय हमारे मिलन का नहीं, वियोग का है। इस समय मैं एक साधारण मनुष्य हूं, भगवान नहीं। होनी जो मुझसे कराएगी मैं वही करूंगा, और संसार इसे मेरी लीला का नाम देगा। राम से हनुमान का वियोग, यह असंभव है प्रभु, यह असंभव है। आप कुछ भी कह ले, परंतु आपके दर्शनों की आस सदा मेरे हृदय में रहेगी। आप जब कभी भी आदेश देंगे, आपका यह सेवक आपके दर्शनों के लिए उपस्थित हो जाएगा। जय श्री राम। गुरुजनों, आपने मुझे पहचाना नहीं? गुरुजनों, मैं हूं आपका प्रिय शिष्य। प्रिय शिष्य? कौन प्रिय शिष्य? वही प्रिय शिष्य जिसने बालपन में आप लोगों से शिक्षा प्राप्त की थी। अब भी नहीं पहचाना? पहचानेंगे भी कैसे? इन बीते वर्षों में मैं छोटे से बड़ा हो गया हूं। मेरा स्वर बदल गया है। सूर्य लोक में जाकर कई वर्षों बाद लौटा हूँ, इसीलिए आपको प्रणाम करने चला आया। हनुमान? कहीं तुम हनुमान तो नहीं? तुम अवश्य हनुमान हो। ऐसा विनोद करना बचपन से तुम्हारा ही स्वभाव रहा है। ये अदृश्य होकर लीला क्यों कर रहे हो हनुमान? प्रकट होकर हमारे सामने आओ। हम तुम्हारे आगमन से बहुत प्रसन्न हैं। क्या तुम सच सूर्य लोक से लौट आए हो हनुमान? प्रणाम गुरुदेव। आप सब कुशल मंगल तो है ना? युग युग जियो हनुमान। तुम सूर्य लोक से अवश्य अखंड विद्याओं का दान प्राप्त करके लौटे होगे। तुम तो जन्म से ही चमत्कारी रहे हो, अब तो तुम्हारे चमत्कारों की संख्या और भी बढ़ गई होगी। गुरुदेव, मुझे जो कुछ भी मिला है सब आप लोगों के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है। आप लोगों ने शिक्षा के जो बीज मेरे मन में बोए थे, उसी से तो मुझे यह फल प्राप्त हुआ है। अच्छा, ये तो बताओ सूर्य देव से क्या क्या सीख कर लौटे हो? हाँ हनुमान, क्या क्या चमत्कारी सिद्धियां प्राप्त की तुमने सूर्य लोक में? वेद विद्या, संगीत विद्या, ज्योतिष विद्या, अस्त्र शस्त्र विद्या, इन सब का प्रसाद मुझे गुरुदेव सूर्य देव से प्राप्त हुआ है। धन्य हनुमान, ये सारी विद्याएं तुम जैसे गुणवान के पास आकर धन्य हो उठेंगी। हनुमान, अपने माता पिता के दर्शन करके आ रहे हो ना? नहीं गुरुदेव, सर्वप्रथम गुरु, फिर माता पिता, परंतु उससे भी पहले अपने आराध्य देव। आराध्य देव? हाँ गुरुदेव, अब आज्ञा दीजिए, फिर समय पाकर आपके दर्शन प्राप्त करूंगा। प्रणाम गुरुजनों। प्रणाम माता, मैं सूर्य लोक से लौट आया हूँ। हनुमान, कहा हूँ पुत्र, तुम्हारे चरणों में ही तो मेरा स्थान है माता। मन की आंखें खोलकर देखिए हनुमान, मैं तुम्हें तुम्हारे चरणों में बैठा दिखाई दूंगा। हनुमान कहाँ हो पुत्र, कहाँ हो तुम? प्रणाम माता। हनुमान, मेरे हनुमान, तुम लौट आए हनुमान, तुम्हें देखने के लिए मेरी आंखें कब से तरस रही थी पुत्र। हनुमान, पिताश्री, प्रणाम पिताश्री। वत्स हनुमान, तुम लौट आए। बरसों के बाद तुम्हें अपने हृदय से लगाकर हम कितना आनंद पा रहे हैं, ये हम तुम्हें बता नहीं सकते पिताश्री। इस आनंद का प्रसाद मुझे भी प्राप्त हो रहा है। इतने वर्षों के वियोग के बाद आपसे मिलना कितना सुखद लग रहा है पिताश्री, कितना सुखद लग रहा है। हनुमान, सूर्य लोक में रहकर अपने माता पिता को भूल गया था। तू कुछ बोलता क्यों नहीं वत्स? मेरी बातों से तेरा हृदय भर आया ना, परंतु मैं जानती हूँ एक पल के लिए भी तुम हमें नहीं भूले होगे, नहीं भूले होगे। तुम्हारी माँ कब से तुम्हारे लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। मैं जानता हूँ पिताश्री, मैं जानता हूँ जन्मदात्री माता की महानता। उसके स्नेह का अमृत ही तो पुत्र का बल होता है। माता, मैं तुम्हारी महानता के आगे नतमस्तक हूं। बस बस, बहुत हुई भावुकता की बातें। ये बता, सूर्यलोक में तेरी शिक्षा दीक्षा कैसी रही? माते, इसका परिचय तो मेरे कार्य देंगे। इतने वर्षों बाद लौटा हूं, सोचता हूँ माता की आंचल की छांव में बैठकर अपनी थकान मिटा लूं। हाँ। अवश्य वत्स, आओ पहले विश्राम कक्ष में थोड़ा विश्राम कर लो। हाँ। नहीं पिताश्री, मैं तो आप दोनों का सेवक हूँ। माता के चरणों में बैठकर ही मुझे विश्राम का सुख मिलेगा। अनुमान कोई तुम्हारे अतुलित बल का माँ।